इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बीटी टॉक्सिन एज बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब बता देते हैं कि जब भी हम किसी बायोलॉजिकल वर्ल्ड के किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी पेस्ट को किल करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। बीटी टॉक्सिन को हम बायोपेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, तो कुछ बातें जानते हैं बीटी टॉक्सिन के बारे में कि इसकी सोर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये हमें बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजियंसिस से मिलता है। तो बैसिलस थुरिंजियंसिस का जो जीनस नेम है वहाँ से हमने बी को पिक किया और स्पीशीज नेम से हमने टी को लिया और इन दोनों को कंबाइन करके इस टॉक्सिन का नाम रखा हमने बीटी टॉक्सिन। और ये जब हमने डिस्कवर किया कि कोई बैक्टीरिया है उसमें एक बीटी टॉक्सिन बनता है तो हमने उस बीटी जीन को एक्सट्रैक्ट करके बैक्टीरिया से और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया और एज अ रिजल्ट वो प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो इस तरह से जो बीटी जीन है वो बायोपेस्टिसाइड की तरह एक्ट करता है। और बीटी जीन हमने ये देखा कि बीटी टॉक्सिन कई तरह के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करता है, जैसे ये लेपिडोप्टेरेंस हैं, कुछ बीटल्स हैं, मॉस्किटोज हैं, तो कई तरह के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये बीटी टॉक्सिन काम करता है। और कुछ मुख्य बातें जानते हैं बीटी टॉक्सिन से रिलेटेड, तो बीटी टॉक्सिन को बनाने वाला जो जीन है उसे हम क्राइजीन बोलते हैं, CRY क्राइजीन बोलते हैं। और क्राइजीन हमने कई तरह के डिस्कवर कर लिए हैं, तो हम किस क्रॉप को इंसेक्ट रेजिस्टेंट करना चाहते हैं और कौन सा हमारा टारगेटेड पेस्ट है, तो इन दोनों बातों का हम ध्यान रखते हैं अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। उस हिसाब से हम क्राइजीन को चुनते हैं क्योंकि कि यह हमारी फाइंडिंग है, ये हमने जान लिया है कि कई तरह के क्राइजीन हैं और वो अलग अलग क्राइजीन अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि जो क्राइ फर्स्ट AC है और क्राइ सेकंड AB है, ये कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट काम करता है, जबकि क्राइ फर्स्ट AB ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बीटी टॉक्सिन के बारे में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब हम बीटी जीन को किसी प्लांट में इंसर्ट करते हैं तो अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बीटी mRNA बनेगा और इस mRNA का जब ट्रांसलेशन होगा तो एज अ रिजल्ट एक प्रोटीन बनेगा जो बीटी टॉक्सिन की तरह एक्ट करेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये प्लांट के हर सेल में हो रहा है, तो इसका मतलब प्लांट के हर सेल में ये बीटी टॉक्सिन मौजूद है। अब इस लीफ पर जब भी कोई इंसेक्ट का लार्वा फीड करेगा तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बीटी टॉक्सिन काम करता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम बीटी टॉक्सिन के एक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसमें बीटी प्रोटीन बन रहा है। इस प्लांट पर जब भी कोई लार्वा फीड करेगा तो वो बीटी प्रोटीन को भी इंजेस्ट कर लेगा। बीटी प्रोटीन जो बीटी टॉक्सिन है वह प्लांट में इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब ये टॉक्सिन लार्वा के गट में आएगा तो वह एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और लार्वा के गट की जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, उनके रिसेप्टर्स से बाइंड होकर और आयन चैनल्स को ओपन कर देगा। तो एज अ रिजल्ट जो ल्यूमन में जो छोटे छोटे आयन्स प्रेजेंट हैं, सोडियम और क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं, तो बहुत सारे ये छोटे छोटे आयन्स अब उस एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाएंगे और दिस स्टेप विल बी फॉलोड बाई अनकंट्रोल्ड एंडोस्मोसिस। तो बहुत सारा पानी भी उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर आ जाएगा और एज अ रिजल्ट उन एपिथेलियल सेल्स की लाइसिस हो जाएगी, वह सेल्स खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी। और अगर ये हुआ, जब इंटेस्टाइन की सेल्स ही नहीं बचेंगी तो इस लार्वा का बचना भी नामुमकिन है, तो यह भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बीटी टॉक्सिन जब ये इतना खतरनाक है, इतना टॉक्सिक है, तो ये उस बैक्टीरिया को क्यों नहीं अफेक्ट कर पाता है जिसने इसे बनाया है। तो इस
के आंसर को समझने के लिए पहले हम अपना एक डाइजेस्टिव एंजाइम को रिकॉल करते हैं, पेप्सिन। तो पेप्सिन जो एंजाइम है ये स्टमक के ल्यूमन में इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है, पेप्सिनोजन। और स्टमक के ल्यूमन में जब ये पेप्सिनोजन आता है तो वहाँ पे एसिडिक पीएच इसको मिलता है, तो एसिडिक पीएच की प्रेजेंस में अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा और पेप्सिन बनाएगा। और पेप्सिन एंजाइम एक एक्टिव फॉर्म है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से बीटी टॉक्सिन ये एक इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लांट के केस में भी और बैक्टीरियल सेल्स में भी, तो ये एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब इस प्रोटॉक्सिन को इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो उसके इंटेस्टाइन में अब एल्कलाइन पीएच मौजूद होगा। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं तो इन्वर्टिब्रेट्स की गट में एल्कलाइन पीएच होता है, तो उस एल्कलाइन पीएच में ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बीटी टॉक्सिन बन जाएगा। और जिस तरह से भी अभी हमने उसके मैकेनिज्म को डिस्कस किया है उसके एक्शन के, तो बिल्कुल उसी तरह से अब ये इंसेक्ट में काम करेगा और एज अ रिजल्ट ये इंसेक्ट को किल करेगा।